बिना स्वीकृति के तथा स्वीकृति के विपरीत आवासीय व्यवसायिक निर्माण कराए लोगों के लिए शासन के निर्देशानुसार नियमितीकरण की प्रक्रिया आरंभ की गई है। निगम आयुक्त ने सभागार ने वास्तुविद की बैठक ली, जिसमें प्रोजेक्टर के माध्यम से ट्रेनिंग दी गई। अनाधिकृत निर्माण के नियमितीकरण का रास्ता शासन की पहल से साफ हो चुका है। यदि किसी ने बिना बिल्डिंग परमिशन लिए निर्माण कराया हो, बिल्डिंग परमिशन लेकर स्वरूप में परिवर्तित किया हो अथवा दी गई भवन अनुज्ञा के विपरीत निर्माण कर लिया हो तो इसका नियमितीकरण कराया जा सकता है। नगर निगम आयुक्त लोकेश चंद्राकर, अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी ने भिलाई निगम के सभी आर्किटेक्ट की बैठक लेकर उन्हें नियमितीकरण के संबंध में जानकारियां प्रदान की तथा प्रोजेक्टर के माध्यम से शुल्क की गणना तथा अनाधिकृत निर्माण के नियमितीकरण के बारे में प्रशिक्षण दिया। इसकी जानकारी नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी पी सी सारवा ने दी। बिल्डिंग परमिशन जिन्होंने नहीं लिया होगा, जिन्होंने बिल्डिंग परमिशन लेने के बाद उनके जो भवन होते हैं या मकान होते हैं, स्ट्रक्चर होता है, उसमें चेंजेस किए होंगे, कोई परिवर्तन किया होगा, और इसके अलावा जिन्होंने आवासीय के जगह कमर्शियल का उपयोग करके बना लिया होगा, इस प्रकार से जो इसके दायरे में जो आते हैं उनका नियमितीकरण किया जाना है, जिसके लिए भवन अनुज्ञा शाखा मुख्य कार्यालय में इसके आवेदन प्राप्त किए जा रहे हैं। इसके संबंध में जो आर्किटेक्ट है वो आर्किटेक्चर से जो है उनको ट्रेनिंग दी गई है कि किस प्रकार से आवेदन लिए जाने हैं, किस प्रकार से स्ट्रक्चर का एनालिसिस किया जाएगा। आवेदन जब प्राप्त होंगे तो उसका निरीक्षण जो है हमारे विभाग के अधिकारी करेंगे। जिला इसके नियमितीकरण की समिति है, वहाँ प्रस्तुत किया जाएगा। अनुमोदन के बाद में डिमांड लेटर जारी होगा। इस प्रकार से जो पूरी प्रक्रिया है नियमितीकरण की वो की जाएगी। इसकी प्रारंभिक प्रक्रियाएँ जो है, ट्रेनिंग जो है, प्रशिक्षण जो है, वो वास्तुविद को दी जा चुकी है, और इसके बाद में भवन अनुज्ञा शाखा से आवेदन प्राप्ति की कार्रवाई प्रारंभ। बहरहाल शासन की नियमितीकरण योजना का निगम क्षेत्र के अधिकांश लोगों को लाभ मिलेगा, क्योंकि ज्यादातर लोगों द्वारा भवन अनुज्ञा के विपरीत निर्माण कार्य कराया गया है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे।